रोहतास जिले के बाराडी गांव में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए सम्मान समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न तो प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन किया गया और न ही मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई। आपको बता दें कि इस समारोह में आरजेडी के दिनारा विधायक विजय मंडल, नोखा विधायक और पूर्व मंत्री अनीता देवी, काराकाट विधायक सहित कई अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। तो आपको ये बता दी चले कि देश भर के साथ साथ राजधानी पटना और पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण चरम पर है। गाइडलाइंस फॉलो करने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई है बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम है और राजनीतिक कार्यक्रम में इस तरीके की जो भीड़ है वो देखी गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आरजेडी के जो बड़े नेता है वो मौजूद हैं, अनीता देवी है, साथ ही साथ और भी कई पार्टी के पदाधिकारी हैं। और जो बिल्कुल लापरवाही है वो देखी गई, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस की जो धज्जियां है वो उड़ाई गई है। रोहतास में ना तो किसी के चेहरे पर मास्क देखा गया और ना ही कोई सामाजिक दूरी का पालन है वो भी किया गया। ऐसे में जब लोगों से उम्मीद की जाती है तो कहीं ना कहीं ये बेमानी होगा, क्योंकि जब खुद पॉलिटिकल लोग इस तरीके का गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बड़ी लापरवाही के जिम्मेदार वो। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और ना ही सामाजिक दूरी का वो पालन करते नजर आए, कहां का यह कार्यक्रम जाना चाहेंगे? क्या प्रशासन इस मामले पर संज्ञान ली है और क्या कार्रवाई होगी? जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्यक्रम किया गया था वो राजद के भावी प्रत्याशी बताए जाते हैं श्री रामनाथ यादव, उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। और इस कार्यक्रम में आप देखिए वीडियो में दिनारा से वर्तमान विधायक विजय कुमार मंडल तथा नोखा की वर्तमान विधायिका अनीता चौधरी, और आप देखिएगा कि जिला परिषद के अध्यक्ष जो है नथनी पर, तमाम ऐसे लोग सभी शामिल होते हैं। और कोरोना गाइडलाइन की प्रशासन चाहे जो कुछ भी कर ले, आम आदमी के लिए सारा नियम लागू होता है, लेकिन इन नेताओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि प्रशासन डंडे लेकर शाम को 7 बजे से हर मार्केट में दुकान बंद कराने के लिए प्रशासन चली जाती है, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे ये कार्यक्रम होता रहा और प्रशासन अभी तक बेखबर है। जी बिल्कुल, और वाकई में जो कार्यक्रम देखा जा रहा है ये लोग प्रशासन को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का गाइडेंस की जो धज्जियां उड़ाई गई है वाकई में हैरान कर देने वाली जो तस्वीर है वो सामने आई है। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोग आम आदमी से ऊपर उठ के हैं? जो लोग कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों से बात हो पाई है? जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल थे, आरजेडी के बड़े नेता, नोखा के विधायक भी थे वहां पर, क्या बात हो पाई है? क्या उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है? क्या ऐसे आयोजन नहीं किए जाने चाहिए थे ऐसे मौके पर? जी, मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो पत्रकारों का फोन उठाए। पत्रकार जैसे ही फोन करते हैं इस कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए और कोरोना की बात करने के लिए, कोई भी जनप्रतिनिधि फोन रिसीव कर करके और ये करने के लिए नहीं तैयार है। और तो और आप इसमें देखिए कि सारे लोग राजनीतिक के ही शामिल हैं और एकदम प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा कार्यक्रम होता रहा और प्रशासन ने कोई इसकी सुध नहीं ली। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो रोहतास की खबर हमने आपको दिखाई जहां पर एक पॉलिटिकल कार्यक्रम था आरजेडी का और वहां पर भावी प्रत्याशी के वहां पर उनके लिए जो कार्यक्रम का जो आयोजन है वहां पर किया गया था। तमाम वहां पर बड़े नेता मौजूद थे, पार्टी के पदाधिकारी, नोखा के विधायक भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क देखा गया, ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया गया, जो वाकई में लापरवाही है। और प्रशासन को इस तरह की तस्वीर देखने के बाद जो कार्रवाई है बिल्कुल करनी चाहिए।